क्या भागती है यार बाइक, इसका लो एंड और मिड एंड तो यार बहुत ही खतरनाक है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और आज 4 बजे सूरज देवता ने हल्की सी शक्ल दिखाई और फिर गायब होने की तैयारी में है। कोई बात नहीं, हम टेस्ट करेंगे आज विंडस्क्रीन जो हमने लगाई है, जेन्युइन मोटरसाइकिल एसेसरीज बाय रॉयल इनफील्ड। और अभी आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ विंडस्क्रीन को। तो ये है विंडस्क्रीन, आप लोगों को एक बार से फिर दिखा दूंगा वीडियो के एंड में। पहले वाली से टॉल है और जो इसके एरोडायनामिक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं। तो अभी बिना देरी करे हुए जल्दी से बाइक को लेके चलते हैं। हाईवे पे तो नहीं जा पाऊंगा, मगर ये जो रोड है यहाँ पे, ये भी किसी हाईवे से कम नहीं है। हमको अच्छा खासा पता चल जाएगा कि कितना विंड ब्लास्ट आ रहा है, चेस्ट पर आ रहा है, शोल्डर्स पर आ रहा है या हेलमेट पर आ रहा है। चलिए चलते हैं। तो करते हैं इसको स्टार्ट अभी। ओके, वाइजर डाउन एंड लेट्स रोल। पहले मैं सोच रहा था एक्सप्रेसवे पे चला जाऊं, मगर अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त से बात हुई, वो एक्सप्रेसवे से ही आ रहा है अभी। और उधर फॉग थोड़ा सा है क्योंकि खुला एरिया है इसलिए, मगर ये रोड भी किसी एक्सप्रेसवे से कम नहीं है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं स्टॉक विंडस्क्रीन पे था तो कैसा फील होता था और कहाँ कहाँ पे एयर लगती थी, और अभी कहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला है। तो अभी थोड़ा सा स्पीड इसको करते हैं अराउंड 90 के आसपास, क्योंकि टूरिंग अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट 90 पे तो चलेंगे ही। देखिए विंडस्क्रीन है बाइक पे, कार तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम साइलेंट हो जाएगा, दैट इज़ द नेचर, सो वी कांट कंप्लेन। मगर कुछ कुछ एरियाज पे जो है इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। अभी आप देखिए, जैसे मेरी चेस्ट पे डायरेक्ट पहले हवा लगती थी और बहुत तेज़ लगती थी, तो अभी क्या है, चेस्ट का जो एरिया है वो फुल प्रोटेक्टेड है। यहाँ स्टमक से लेके अपना चेस्ट तक पूरा, एब्डोमिनल से चेस्ट तक पूरा अपना सेफ है, यहाँ तक नहीं आ रही। हल्का सा विंड ब्लास्ट मेरे को यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर ऑब्वियसली लगेगा, अगर टॉल विंडस्क्रीन होगी तो भी लगेगा। अपने मतलब जो ये हाथ हैं इन पे हल्का सा फील हो रहा है मेरे को। बाकी देखते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा और आगे निकलते हैं यहाँ से। अभी देखिए थोड़ा सा, अगर मैं ऊपर होके दिखाऊं सैडल करके तो आपको पता चलेगा डिफरेंस। देखिए तो मेरा जो नेक एरिया है, नेक एरिया भी मेरा सेफ है। तो दो चीज़ें हमारी हो गई, ऑलमोस्ट 3 चीज़ें, मतलब ये पूरा, एक तो आपका स्टमक हो एरिया हो गया, एब्डोमिन एरिया हो गया, और आपका चेस्ट एरिया हो गया, और आपका नेक हो गया। तो यहाँ यहाँ पे तो आपको प्रोटेक्शन है, मतलब मेरे को तो है, बाकी आपकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे हैं, कितनी आपकी हाइट है। मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, तो मेरे लिए ये ठीक है। और इससे जो मेरे से 5'8" 5'7" 5'6" हैं, आई थिंक उनके लिए भी सही होगी। लंबे बंदों के लिए अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो ये लेते हैं थोड़ा सा और। अभी देखिए सिर्फ जो मेरे को आ रहा है, जो हवा का, जो एयर का आपको इफ़ेक्ट लग रहा है मेरे को, वो लग रहा है यहाँ पे, इस एरिया में, यहाँ पे और इस हाथ में। बाकी मेरे को चेस्ट पे बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है, क्योंकि टॉल विंडस्क्रीन है, ऑलमोस्ट मेरे चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक विंडस्क्रीन की। स्टॉक में क्या था, स्टॉक में जब मैं चल रहा था, अभी जब मैं ट्रिप करके आया हूँ, मैं ग्वालियर से आया हूँ जब 300 किलोमीटर्स की ट्रिप पे यमुना एक्सप्रेसवे पे से, और जब मैं अभी मसूरी से आया हूँ, तो ये जो स्टमक वाला एरिया है और चेस्ट वाला एरिया, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि ठंडा मौसम था, और जब ठंडी हवा लग रही थी तो मेरे को यहाँ पे फील हो रही थी। उसीलिए जब मैं मसूरी से चला था तो मैंने नीचे वार्मर और ऊपर अपनी -10 वाली जैकेट पहनी थी, क्योंकि डायरेक्ट एयर जो है वो मेरी चेस्ट और मेरे नेक में लग रही थी, और वो बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, आपको सच बताऊँ मैं। फिर से वही बात कहूँगा कि विंडस्क्रीन है, कार नहीं है, तो 100 आउट ऑफ 100 हम किसी भी विंडस्क्रीन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल वी आर राइडिंग अ बाइक, वी आर नॉट ड्राइविंग अ कार। बाकी जितना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो विंडस्क्रीन का जॉब है, दैट जॉब इज़ बीइंग डन। यहाँ पे लेते हैं। अभी देखिए, अभी मैं ऑलमोस्ट 100 पे हूँ, और मेरे को चेस्ट और नेक और ये एब्डोमिन एरिया बिल्कुल मेरा प्रोटेक्टर है। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल हवा नहीं लग रही, यहाँ पे मेरे को ठंड लग रही है क्योंकि ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा है।
अभी चलते हैं थोड़ा सा और। मैंने आपको कहा था ना हाईवे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये रोड वैसे हाईवे जितनी ही है। तो अभी थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये रोड थोड़ा सा और खुला मिल जाएगा हमको। हेलमेट पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको पता चल ही जाएगा कि मेरी जो वॉइस है वो कितनी क्लियर आ रही है और कितनी ब्रेक हो रही है। ज़्यादा आवाज़ अगर ब्रेक होगी तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विंड मेरे हेलमेट पे भी लग रही है। हेलमेट पे भी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ से विंड कट के ऊपर से जा रहा है, और जो ये वाला है, ये वाला एरोडायनामिक्स है इसका विंडस्क्रीन का, यहाँ से लग के भी ये तभी इस डिज़ाइन में बनाए गए हैं ताकि जो विंड है आपका वो कट हो जाए। बाकी यार आपकी चॉइस है, एक एक्सटेंडर आता है छोटा सा, आपने देखा होगा प्रो स्पेक का, वो भी आप डाल सकते हैं, मगर मेरे को वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन रहता है गोप्रो के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो मेरे को तो वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और एक बात अब मैं आपको और बताऊँ, जितनी टॉल विंडस्क्रीन होती है उतनी ज़्यादा विंड बफिटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि एक वैक्यूम बन जाता है। तो आपने देखा होगा जब मैं इंटरसेप्टर पे चलता था हार्डली विंड नॉइज आता था, जब मैं वी स्टॉर्म पे चलता था विंड नॉइज आता था, हालांकि वी स्टॉर्म पे अपनी विंड स्क्रीन थी तब भी क्यों आता था, क्योंकि वैक्यूम बनता है एयर का इसलिए। तो ज़्यादा टॉल विंड स्क्रीन जो होती हैं वो भी कई बार ऐसा नहीं होता कि वो विंड का जो नॉइज़ है उसको कम करेंगी, कई बार वो उसको बढ़ा भी देती है। जो ये साइज़ है हिमालयन 450 की विंड स्क्रीन का, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ना बहुत ही ज़्यादा टॉल है, तो आई थिंक दिस शुड बी आइडियल। अभी चलाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है मगर भाई ठंड भी बहुत लग रही है, क्योंकि ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है यार। वो देखो सूरज देवता सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए निकले हैं, बस मुखड़ा देख लो मेरा और निकलो बस यहाँ से। यार क्या थ्रॉटल रिस्पॉन्स हो चुका है इसका फर्स्ट सर्विस के बाद, वाह ऑसम। और काफ़ी लोग यार कंप्लेन कर रहे हैं बाइक में नॉइज़ आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। अब मेरे को पता नहीं भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मेरी बाइक में तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे दो दोस्त हैं उनकी हिमालयन भी है खानले ब्लैक में, वो भी चला चुका हूँ, वो भी थाउजेंड किलोमीटर्स कर चुके हैं। जो हमारे टेस्ट राइड वाली व्हीकल है मैं उसको भी चलाता रहता हूँ, मेरे को तो कोई ऐसा नॉइज़ नहीं आता। यार आप जो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ज़्यादा बातों पे विश्वास करना छोड़ो क्योंकि लोग तो बोलते हैं अपने व्यूज़ के लिए, सच बताऊँ मैं आपको, आप जाइए टेस्ट राइड लीजिए बाइक का और बाइक की थोड़ी सी हालत भी देखिए, क्योंकि कई टेस्ट राइड व्हीकल्स भी इतनी अच्छी हालत में नहीं होते हैं। अभी मेरे पास जैसे पहले इंटरसेप्टर है वी स्टॉर्म 650, अब वी इंटरसेप्टर कितने लोग मेरे को बोलते हैं यार इंटरसेप्टर कहाँ इतना नॉइज़ आता है, ये आता है वो आता है, मेरी फर्स्ट सर्विस के बाद तो और नॉइज़ बढ़ गई है, कोई कहता है कम हो गई है। 35,000 किलोमीटर्स माय फ्रेंड, और अभी तक इट इज़ रनिंग एज स्मूथ एज न्यू बाइक की भी स्मूथनेस को वो फेल कर सकती है, इतनी स्मूथ है इंजन उसका। चलाइए तमीज़ से, रखिए तमीज़ से बाइक को, मशीन कहीं नहीं जाती। 35,000 किलोमीटर स्टॉक क्लच, यहाँ पे चलाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। अभी देखिए मैं थोड़ा सा अपना जो ऊपर उठ के देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अब मेरे स्टमक पे पूरी एयर लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है चेस्ट एरिया में भी, ये मैं बैठा एकदम प्रोटेक्टेड, एकदम वार्म सा फील होने लग गया, तो यही डिफरेंस है। अगर मैं साइड में हूँ तब साइड में भी अभी ठंडी हवा लग रही है, देखिए ये साइड और ये ऊपर, ये दो तीन तरीके होते हैं आप विंडस्क्रीन का टेस्ट कर सकते हैं। बाकी जब हम अपनी ट्रिप पे निकलेंगे तो लाइव आपको करके हाथों हाथ में बता ही दूंगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी मेरे को तो बाइक चलाने का बहाना चाहिए, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ ऑफिस के काम के चक्कर में, और बस जल्दी से निकलेंगे हम। क्या भागती है यार बाइक, इसका लो एंड और मिड एंड तो यार बहुत ही खतरनाक है, ये अभी एक अग्रेसिव एडवेंचर मशीन बन चुकी है। और मैं फ्यूचर में, मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं इसको, मतलब हम परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़े से मॉड्स इसमें डालेंगे डेफिनेटली, मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो अपना पावर है थोड़ा सा और हम बढ़ा सकें तो और थोड़ा मज़ा आएगा। वैसे जितना पावर है दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर इंडियन हाईवेज, लेट मी टेल यू, इससे ज़्यादा की ना हमको ज़रूरत है और ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, वो पावर यूजलेस रहता है। यूजेबल पावर है, यूजेबल पावर इज़ द बेस्ट थिंग, यू कैन यूज़ इट,
इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज़ द पावर दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, इट्स अ यूजलेस पावर, सो यू आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज। आई एम जस्ट जोकिंग यार, ऐसा कोई नहीं है, रिसोर्सेज वगैरह कोई वेस्ट नहीं होते। आपके पास बजट है बड़ी बाइक का, जाइए लीजिए, शौक पूरे करिए। शौक से बढ़ के क्या है, और पैशन, हमें तो शौक से ज़्यादा पैशन है यार, शौक नहीं है बाइक का, पैशन है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी हवा नहीं आई है, क्योंकि हम किसी एयर टाइट कंटेनर में नहीं बैठे हैं। हल्की बहुत आएगी, वो नेचुरल है, उतनी आएगी ही आएगी, मगर वो नहीं आ रही जो आपको बॉदर करे, आपको बॉदर नहीं करेगी वो, तो यू कैन लिव विद इट डेफिनेटली। और अगर आप स्टॉक पे चलते हैं तो स्टॉक पे तो यार ये जो आपका पूरा नेक एब्डोमिन और जो नेक एरिया ये पूरा एक्सपोज रहता है, उसमें डेफिनेटली आपको विंड लगेगी। हो भाई ठंड बहुत लग रही है, एक लाइक तो बनता है इतनी सर्दी में वीडियो बनाने के लिए, क्यों, और एक सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, बिना पसंद करे नहीं करना सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है या आई एम बीइंग यूजफुल टू यू गाइस, देन डेफिनेटली आई वोंट माइंड इफ यू गाइस विल हिट द रेड सब्सक्राइब बटन ओवर देयर। तो अभी मैं राइड से वापस आ चुका हूँ, और राइड के टाइम मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे जो विंड ब्लास्ट है वो फील हो रहा था मेरे को और कहाँ कहाँ पे नहीं। तो शुरू करते हैं कहाँ कहाँ पे फील हो रहा था। सिर्फ मेरे आर्म्स पे मेरे को फील हो रहा था, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आप 100 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा जो है वो फील होने लगेगा। बाकी अगर हम बात करें कि कहाँ पे फील नहीं हो रहा था, तो वो एरियाज थे अपना जो एब्डोमिन स्टमक एरिया रहता है, और जो चेस्ट एरिया है, और जो नेक एरिया है। अब अगर मैं बोलूँ कि आप 100% प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको, तो वो भी गलत है, क्योंकि हम एयर टाइट कंटेनर में नहीं है। मैं फिर से बोलूँ, हम एक बाइक पे हैं, तो वो नेचर है बाइक का। बाकी जो विंडस्क्रीन का डिज़ाइन है वो मेरे को बहुत ही सही लगा, जो इसके एरोडायनामिक्स है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट विंडस्क्रीन नहीं है स्टॉक की तरह, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। शॉर्ट में भी डिसएडवांटेज रहता है, और जो लॉन्ग होती है एक्स्ट्रा लॉन्ग, उसमें भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है। तो ये जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइज़ है, और जो इसके एरोडायनामिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब ऑर्डर कैसे करना है ये आपको मैंने बता दिया था, आप पार्ट कोड ले सकते हैं, और पार्ट कोड लेने के बाद आप इस विंडस्क्रीन को डीलर के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लियर विंडस्क्रीन है, एक बार पास से फिर से दिखा देता हूँ, क्लियर विंडस्क्रीन है ये। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली सी थ्रू द विंडस्क्रीन, और नाइट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये विंडस्क्रीन लेते हैं तो इसको टिंटेड मत करवाइएगा, या डार्क फिल्म मत चढ़वाना, वो रात को बहुत प्रॉब्लम करती है, आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उसके थ्रू देखना पड़ता है कई बार, और जो रोड है आपको इसी के थ्रू दिखेगी। अगर आप टिंटेड करवा देंगे इसको या कोई फिल्म चढ़वा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी। तो छोटा सा वीडियो था, बताना कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक, और जल्दी से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।